हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिल्पास फूड कोर्ट। आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट बेसन की बर्फी, बिना बेसन यूज़ किए, बिना गैस जलाए, बिना चाशनी के, बिना शक्कर के। और ये बर्फी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो देर किस बात की है, चलिए मेरे किचन में और बनाना स्टार्ट करते हैं हमारी इंस्टेंट बेसन की बर्फी। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये रोस्टेड चना दाल ली है, जो चटनी बनाने के लिए यूज़ होती है मोस्टली। इसे दालिया के नाम से भी जाना जाता है, फुटाने भी कई जगह पे इन्हें आप कहते हैं। तो ये मैंने 1.5 कप यहाँ पे ली है और ये टेस्ट में बिल्कुल बेसन के जैसी ही लगती है। तो आज हम इससे हमारी ये बेसन की बर्फी बनाएंगे। साथ में मैंने यहाँ डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, 4 चम्मच हम ये यूज़ करेंगे। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे इलायची कूट ली है, आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं इलायची का। साथ में हम बहुत ज़रा सा 3 से 4 चम्मच देसी घी यूज़ करेंगे, तो आप कोई भी देसी घी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, काजू और बादाम, आप और भी कोई अपने चॉइस का ड्राई फ्रूट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें यूज़ कर रहे हैं आज मिल्कमेड का, जो कि ऑलरेडी बहुत मीठा होता है, तो आप कोई कंडेंस्ड मिल्क भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का आप यहाँ पे ये ले सकते हैं। साथ ही मैंने थोड़ा सा केसर मिल्क लिया है, गर्म दूध में केसर डिजॉल्व करके। सबसे पहले मैंने यहाँ मिक्सी का जार लिया है, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये रोस्टेड चना दाल, और इसे हम एकदम बारीक पीस लेंगे पाउडर फॉर्म में। इसे हम एकदम महीन पीस लेंगे इस जार में। यहाँ मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है और इसमें मैंने ये जो चना जो हमने पीसा है, जो दाल रोस्टेड, वो मैंने इसमें डाल ली है। अभी आप देख सकते हैं ये बहुत ही बारीक पिसा है और ये टेस्ट में बिल्कुल बेसन के जैसा ही लगता है। और इसमें और बेसन में कोई डिफरेंस आपको नहीं पता चलेगा, और ये ऑलरेडी रोस्टेड है तो बहुत ज़्यादा ईजिली ये बर्फी बन जाती है। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 4 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का बुरादा। इससे हमारी बर्फी को एक बहुत अच्छा टेक्सचर मिलता है और टेस्ट भी काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ ड्राई फ्रूट का जो पाउडर है, जो मैंने ड्राई फ्रूट काजू और बादाम लिए थे, उसका पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बच्चों के लिए ये बहुत हेल्दी है, क्योंकि ये प्रोटीन है पूरा, तो बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके। और इसमें मैंने ऐड किया है 4 चम्मच घी, 3 से 4 चम्मच ऐसा जमा सा ही आपको घी यूज़ करना है, पिघला हुआ घी आप ना यूज़ करें। अभी हम हाथ से इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये जो घी है ये पूरी तरीके से अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से मलते हुए आप इसे घी को आपको पूरे मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर देना है। बहुत ही हेल्दी बर्फी रहती है ये, इसमें घी है, ड्राई फ्रूट्स हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच इलायची कुटी हुई, आप इलायची का पाउडर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसे भी हम अपने मिक्सचर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इस मिक्सचर में से इलायची पाउडर की। अब मैं यहाँ पे केसर वाला दूध ऐड कर रही हूँ, ताकि एक अच्छा सा कलर हमारी बर्फी को मिले। ये भी पूरी तरह ऑप्शनल है, आप अगर नहीं चाहते हैं, आपके पास केसर अवेलेबल नहीं हो, तो आप ये भी स्किप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो कोई फूड कलर भी आप ऑरेंज कलर का या येलो कलर का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 1/2 कप कंडेंस मिल्क यूज़ कर रही हूँ। कंडेंस मिल्क ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, इसलिए हम इस बर्फी में कोई दूसरी शक्कर या कुछ भी स्वीटनर यूज़ नहीं करेंगे। कंडेंस मिल्क से ही ये नेचुरली बहुत ज़्यादा अच्छा स्वीट बनता है। और अगर आपके पास में कंडेंस मिल्क नहीं है, तो आप शक्कर का पाउडर यूज़ करें, साथ में थोड़ा सा दूध यूज़ करें। आप देख सकते हैं मेरी बर्फी का टेक्स्चर बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी सा आया है। अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट ग्रीस कर लेंगे, जिसमें हमें इस बर्फी को जमाना है। आप कोई केक टिन यूज़ कर सकते हैं, कोई स्वीट टिन यूज़ कर सकते हैं। सबसे इजीली घर पे थाली अवेलेबल होती है, तो मैं इसमें आपको ये जमा कर बता रही हूँ। मैंने घी से इसे ग्रीस कर लिया है और सारा जो मेरा बर्फी का मिक्सचर है, अब मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी। आप टेक्स्चर देख कर ही समझ गए होंगे कि ये बर्फी परफेक्टली जमने वाली कंडीशन पर आ गई है। तो इस तरीके से आप इस पर ट्रांसफ़र करें और किसी भी स्पेक्टुला की हेल्प से इसे दबाते हुए आपको इस प्लेट के ऊपर अच्छे से फिक्स कर लेना है इसे। कोई शार्प नाइफ यूज़ कीजिए, कोई उलटना यूज़ कीजिए। आप देख सकते हैं परफेक्टली मैंने इसे बर्फी के ही जमने वाले शेप में इस प्लेट के ऊपर अच्छे से जमा दिया है। तो इस तरीके से आपको भी इसे इक्वली इवनली बढ़िया सा फैला देना है प्लेट के ऊपर। ऊपर से आप कोई भी अपने चॉइस का ड्राई फ्रूट बारीक कट करके इसके ऊपर डाल दें। मैंने यहाँ पे काजू और बादाम यूज़ किए हैं।
आप यहाँ पे पिस्ता यूज़ कर सकते हैं, डेसिकेटेड कोकोनट यूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप यूज़ करें और इस तरीके से उसे दबा के बर्फ़ी के साथ में फिक्स कर दें। 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी रूम टेम्परेचर पे, इसे फ्रिज में वगैरह रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही बहुत अच्छा जम जाता है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आया है हमारी बर्फ़ी का और खाने में ये बहुत ही लाजवाब लगती है, तो आप ज़रूर इसे बनाकर ट्राई करें। 20 मिनट बाद देखिए बर्फ़ी पूरी जम चुकी है, तो मैं अब इसके पीसेस कट कर रही हूँ। तो आप किसी भी नाइफ़ की हेल्प से इसके पीसेस कट कर सकते हैं, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप पीसेस कट करें। मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप में इन्हें कट करूँगी। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल मार्केट जैसा ही इसका फ्लेवर आता है और मेहनत बिल्कुल भी नहीं है इसे बनाने में, इजीली जम जाती है। इंग्रेडिएंट्स भी कोई ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं ये इंग्रेडिएंट्स। ये देखिए बहुत बढ़िया सी बर्फ़ी हमारी बनकर रेडी हो गई है, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई करें। काफ़ी हेल्दी और काफ़ी क्विक रेसिपी है ये। मैंने सारी बर्फ़ी जो है इसी तरह से कट करके एक प्लेट में निकाल ली है, तो ये रेसिपी एक मस्ट ट्राई रेसिपी है सभी के लिए जो मीठा पसंद करते हैं। अचानक अगर आपका कभी कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप ये रेसिपी फटाफट से बनाकर ट्राई करें और अपने जो कमेंट्स है वो मुझे ज़रूर लिखकर बताएं कि आपकी बर्फ़ी कैसी बनी है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में ये रेसिपी शेयर करें और मुझे लिखकर बताएं कि आप और कौन सी रेसिपीज़ मुझसे देखना चाहते हैं। तब तक खाते पीते रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय।